अगर आप लोग का एनपीओ का लास्ट मोमेंट तक कुछ स्टडी नहीं हुआ है और कल एग्जाम देना है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, लेकिन इस ट्रिक से तुम लोग 6 से 7 मार्क्स कंफर्म मिल सकता है तुम लोग को। ओके, मार्क्सिंग कैसा होता है, जैसा पोस्टिंग किया तुम लोग ने, एक्चुअल पोस्टिंग, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर का सिर्फ पोस्टिंग है, उसके अंदर एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व नहीं किया, उसमें मार्क्स कैसे मिलेगा, इसको हर एक पोस्टिंग को हाफ मार्क्स तुम लोग को मिलने वाला है। तो देखो इसका हाफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ पोस्टिंग से तुम लोग 7 मार्क्स अर्न कर सकते हो। ओके, सिर्फ तुम लोग को एक चीज जानना जरूरी है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये 4 चीज जानना जरूरी है। अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट तक एनपीओ सॉल्व करना नहीं आता तो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, रिसिप्ट साइड क्या है और पेमेंट साइड क्या है। अगर रिसिप्ट साइड दिख रहा है, पूरा रिसिप्ट साइड का आइटम उठा के इनकम साइड में लिख दो, और पेमेंट साइड दिख रहा है वो पूरा पेमेंट साइड का आइटम उठा के एक्सपेंडिचर में लिख दो। अगर तुम लोग उसमें से कुछ भी समझ में आ रहा है, असेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, तो असेट समझ में आ रहा है तो असेट में उठा के लिखो, नहीं समझे तो ऊपर लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वो हम लोग सोल्व करेंगे और उसका मार्क्स कैसा मिलने वाला है वो हम लोग चेकआउट करेंगे। क्वेश्चन रीड कर, कौन सा साइड, Legacy. Legacy के सामने कैपिटल लिखा है तो हम लोग नीचे लिख देंगे, कैपिटल के साथ लिख देंगे, उसके साथ कैपिटल का अमाउंट लिख देंगे 3,05,500। लीगेसी के सामने कैपिटल लिखा है उसके लिए हम लोग इधर लिख देंगे लीगेसी कितना 30,000। नेक्स्ट पेमेंट, पेमेंट साइड लिखना है, इसका मतलब पूरा एक्सपेंडिचर साइड में उठा के लिखना है, क्या क्या है, बाय सैलरीज, बाय का साइड 2 लिखना है, 11,77,500 77,500। नेक्स्ट बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,500। नेक्स्ट बाय बुक्स, 2 बुक्स 44,000 बाय फर्नीचर, 2 furniture 39,000 by drama expenses 45,000 by postage, 2 postage 3,500 by telephone charges 3,000 by electricity, 2 electricity 30,500 30,500 next by magazine and newspaper, 2 magazine and newspaper 3,000 next by balance carried down, जो लास्ट में balance carried down होता है ना वो asset में ही लिखना है, क्या है balance carried down, cash 31,000 bank 161,500। अब मैं इसका मार्क्सिंग समझा देता हूँ, मार्क्स कैसा मिलने वाला है। अभी इंटरेस्ट पे हाफ मार्क्स मिलेगा क्योंकि वो करेक्ट है, डोनेशन पे मार्क्स नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट था, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था, उसके डोनेशन के ऊपर मार्क्स नहीं मिलेगा। ट्यूशन फीस पे हाफ मार्क्स मिलेगा, एडमिशन फीस पे हाफ मार्क्स मिलेगा, ड्रामा पे हाफ मार्क्स मिलेगा और रेंट पे मिलने वाला हाफ मार्क्स। ओके, सैलरी पे मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हाफ मार्क्स मिलेगा। अब मैंने बुक्स यहाँ पे लिखा है जो कि गलती से लिखा, मुझे नहीं आता था उसके लिए उठा के लिख दिया, क्यों, बुक्स असेट है तो बुक असेट में जाएगा तो इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्नीचर के लिए मार्क्स नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है ड्रामा एक्सपेंसेस, हाफ मार्क्स मिल जाएगा, प्रिंटिंग पे हाफ, टेलीफोन चार्जेस पे हाफ, इलेक्ट्रिसिटी पे हाफ,
और मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पे हाफ। ओके, लीगेसी करी ठीक है, लीगेसी पे हाफ मार्क्स मिलेगा, कैश पे हाफ और बैंड ले हाफ। तो कितना मार्क्स कवर हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 12 में से 7 मार्क्स तो तुम लोगों को कंफर्म मिले, अगर एमपीओ नहीं आता है तो भी। ये सिंपल सा ट्रिक से सिर्फ उठा के लिखना है। क्या उठा के लिखना है? रिसिप्ट को इनकम में लिखना है और पेमेंट को एक्सपेंडिचर में लिखना है। पूरा तुम लोग को इन प्रूफ मैंने बताया 7 मार्क्स कैसा अर्न करना है।